हेलो गाइस, मेरा नाम है उमर और आप लोग देख रहे हैं उमर फूडी। तो आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हमने लिए मेथी, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको छोटे छोटा कट कर लेंगे बारीक। अब हम लेंगे गाइस 2 बड़े कप हमने इसमें आटा लिया है, 2 कप आटा लिया है। ओके, जितना हम आटा लेंगे उसका 1/4 कप हम लेंगे मेथी, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चें। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो गाइस आपको भी इसे अच्छे से मिला लेना है और अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, फिर पानी डाल के मिलाएंगे। अब इसको प्रॉपरली हम गूंध लेंगे, हाथ से गूंधना है हमें इसको, जैसे आटा आटा गूंधा जाता है। आटे इसको गूंधने के बाद हमें इसको 10 मिनट का रेस्ट देना है ताकि इसमें थिकनेस आ जाए, यानी फूल जाए। फिर जब हम बना लेंगे इसके पेड़े, जैसे भी आप रोटी के हिसाब से बनाते हो उस हिसाब से हम इसके पेड़े बना लेंगे। अब हम इसको रोटी की शेप देंगे, जैसे कि हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं ऐसे हम इसको शेप देंगे। हमने 4 पेड़े बनाए, यानी 4 पराठे। आपको जितने पराठे बनाने हो उस हिसाब से पेड़े बना लीजिएगा। अब इनको अच्छे से बेल लेंगे। तो फिर जितने हम इसको बेल रहे हैं इतने आप अपने तवे को हाई फ्लेम पे गर्म कर लीजिए। अब जैसे नॉर्मली पराठे बनाए जाते हैं वैसे इसको बना लेना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो फ्लेम हो वो मीडियम हो, ना हाई हो ना लो हो। तो हमने इसके ऊपर यूज़ करा है डालडा घी, तो हमने एक साइड लगा दिया, दूसरी साइड हम दूसरी साइड भी इस पर डालडा घी लगाएंगे। तो जैसे नॉर्मल पराठे बनाए जाते हैं वैसे सेम आपको इसे बनाना है। बस फ्लेम पे आपको ध्यान देना है क्योंकि जल ना जाए, ना आपको फ्लेम अब लो रखनी है ना हाई रखनी है। इस सुबह का ठंड का नाश्ता इसी से करेंगे क्योंकि काफ़ी हेल्थी होता है बॉडी के लिए। गाइज इन पराठों के साथ चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। जो चटनी हम आपको बताने वाले हैं उसको उसकी रेसिपी बहुत आसान, इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो लास्ट तक बने रहें और देखते रहें वीडियो। हमने ग्राइंडर ले लिया और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ लेनी है और 2 लाल मिर्चें। बेसन की नमकीन आप इसमें डाल सकते हैं, इससे चटनी से थिकनेस आती है और ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं या नहीं भी। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे सूखा। इसमें पानी डालना, अब इसमें पानी डालेंगे हम, अब इसको दोबारा ग्राइंड करेंगे पानी डालकर। तो वैसे हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप भी मज़ा लीजिए मेथी के पराठे और इस चटनी के साथ। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चलो बताते हैं आखिर में। हाँ, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताना।